हीरो काका काकी को कहां ले गया? और ये क्या चीज है जो हीरो की जेब से गिरी? हीरो, पता नहीं ये काका को क्या हो गया। और ये चीज क्या है? पता नहीं क्यों उसे ऐसा देखकर लग रहा है कि इसे हमने पहले भी कहीं देखा है। कहां देखा है इसे? याद क्यों नहीं आ रहा है? कहां देखा है इसे? कहां? हाँ, इस चीज के बारे में हीरो ने हमें बताया था। अरे कितना सवाल करती हो तुम? पर होगा क्या? अरे मेमोरी कार्ड है। बेसिकली क्या होता है, इसमें डेटा सेव होता है। उसमें तुम अपने मनपसंद के सारे गाने डाउनलोड कर सकती हो और ये यहाँ पे ऐसे लगता है, यहाँ लग गया, बस बंद कर दिया। याद आ गया, पर ये चीज हीरो के जेब में क्या कर रही? खैर, हमें क्या करना है, हमारा तो मुफ्त में फायदा हो गया है। अब इसे हम अपने फोन में डालेंगे और नए नए गाने सुनेंगे। अब नए नए गाने सुनेंगे। अरे ये वीडियो क्या है? देखते क्या है? ये तो अंकुर का घर है। और अच्छा, ये संतोषी भी वही है। जरा सुनते क्या बातचीत हो रही है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि धैर्य सर ऐसा करेंगे। इतना बड़ा धोखा। धोखा देना तो मिश्रा परिवार का ना पुराना शौक है। ये देखिए प्रताप सर, ये मेरे पिताजी हैं। प्रताप अंकुर का बाप है और गार्गी देवी का कातिल भी। ये खेल तो दिलचस्प होते जा रहा है। संतोषी, बहुत मजे कर लिए तूने इस घर में और हमारे हीरो के जिंदगी में। अब दाव हम फेंकेंगे और घाव तुझे होगा। मुझे फंसाया है। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं प्रताप को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन आप दोनों ने मेरा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन अब ये बर्बादी आपसे शुरू होगी। मैं भी देखता हूं कि आप यहां से कितने निकलती हैं। अंकुर जी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। हमें कोई धोखा नहीं दिया। बस, अब और नाटक नहीं। नाटक नहीं कर। मैंने आप पर आग बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को आपने अपने झूठ से खरीदा है, वो भी धोखे से। आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। माध्यम से करती हूँ, लेकिन ये सब क्यों किया? हम समझाते हैं आपको। क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोलिए क्यों? कुछ ये क्या किया आपने? कौन निकल रहा? छोड़िए मुझे। हाथ दीजिए इधर। आज मैं कसम खा के कहता हूं कि मिश्रा परिवार का हर एक सदस्य आज से मेरा दुश्मन। मैं हर एक सदस्य को बर्बाद कर दूंगा। आज से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है,
मिश्रा परिवार की बर्बादी जिसकी शुरुआत होगी तुमसे संतोषी। रुके मैडम, अंदर जाना मना है। हवलदार साहब, एक बार अंदर जाने दीजिए ना। वैसे भी हमें देखकर लगता है क्या कि हम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ठीक है, जाइए और 5 मिनट में वापस आइएगा। हाय बेचारी, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो? वाह, सलाखों के पीछे है फिर भी सवाल पूछने की आदत नहीं गई तेरी। इतनी बदनामी हो गई है लेकिन चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हमें क्यों घबराहट होने लगी? अच्छा, कुछ गलत काम नहीं किया है तो यहाँ क्या कर रही है? वैसे भी तू संतोषी माँ की बहुत बड़ी भक्त बनती है ना, लेकिन झूठी नंबर वन है। हरकतें तो देखो, मिश्रा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उस खानदान की ना बहू खिलाने लायक नहीं है तू। जज साहब, मेरा नाम अंकुर है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। जो कुछ हुआ उस बारे में बयान दीजिए। जज साहब, ये लड़की भोले होने का नाटक करती है लेकिन बहुत शातिर है, लोगों को अपने झांसे में फंसाना इसका काम है, इसका पेशा है। मैंने जब कल इसे मना कर दिया तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई। मेरा कोई लेना देना नहीं इसे, मैं तो जानता तक नहीं हूं इसको। अब आप अपना बयान दीजिए, क्या कहना है आपको? जवाब दो, मजिस्ट्रेट साहब कुछ पूछ रहे हैं। सब अपने मतलब के लिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं सब। तो क्या अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत है आपके पास? कैसा लगा तमाशा देख के? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? बुरा लग रहा है? मुझे धोखा देते वक्त समझ में नहीं आया था। धैर्य मिश्रा, ये उसी धोखे का बदला है जो तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर मुझे दिया। अब देखो कैसे मैं मिश्रा परिवार के एक एक सदस्य को बर्बाद करके रखता हूं। खबरदार, खबरदार जो मेरे फैमिली की तरफ आग भी उठाकर देखा, बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। जब तक तुम सबूत जुटाओगे ना, तुम्हारी प्यारी बीवी वैश्या साबित हो जाएगी। अच्छा संतोषी, वो अंकुर के बारे में कुछ पता चला? हाँ। समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताएं? कैसे बताऊं, मतलब क्या, मतलब तुम क्या बोलना चाह रही हो? अंकुर कह रहे थे कि वो प्रताप सिंह के पिता है। What? बात हो चुका तेरा नाटक, निकाल इसे। अगर तूने हमसे शादी कर ली ना तो संतोषी के बेगुनाही का सबूत हम तुझे दे देंगे। मैं तुमसे शादी करूं? Thank you.